शांति 14-12 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो, तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत आती है? जवाब, यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाबा की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः ही आ जाती है। गीत है आखिर वह दिन आया आज, ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, सच्चा सच्चा सत्संग इस समय ही होता है। बाबा कहते बच्चे, फिर इसी का ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है, तो लोग कह देते हैं परंपरा से चला आया, परंतु जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग अब भी तुम्हारा शिव बाबा के साथ होता है, जब तुम सत्य आत्मा समझ सत्य परमात्मा को याद करते हो। बाकी तो सब झूठ खंड है। वास्तव में सत्संग केवल संगम युग पर ही होता है, बाकी और कोई भी सत्य बोलता नहीं है, ये है ही झूठ खंड। कहते भी है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, तो पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं। क्या बोलते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, अल्प को ही झूठा बना दिया। ज्ञान एक ज्ञान सागर बाप ही देते, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता, सतयुग में झूठ होता नहीं। रावण आकर सचखंड को झूठखंड बना देता है। बाबा कहते बच्चे, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं आकर के तुम बच्चों को सत्य बातें सुनाता हूँ। फिर बाबा ने और बात कही कि बच्चे, अब ये सारी जवाबदारी तुम्हारे पर है, तुमको श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है, तो हम बाबा के साथ हैं, तो हमें भी बाबा के मददगार बनना है। बाबा कहे बच्चे, गृहस्त व्यवहार में रहो, लेकिन यह अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्र रहो। फिर बाबा ने यह भी समझाया कि स्थापना पालना विनाश कैसे और कब कब होता है। तुम यहाँ आते हो, बाबा को याद करते हो। बाबा कहते बच्चे, अब मुझे याद करो। कई तो तोते मिसल याद करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में तो हड्डी धारणा होनी चाहिए। तुम जानते हो अब हमें शिव बाबा मिला है, एक ही बारी बाप सुनाता है, बाबा कभी झूठ नहीं बोलता है, बाबा तो सचखंड की स्थापना करता है। तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए हम किसके साथ बैठे हैं, हमें कौन पढ़ाता है। ताकि आत्मा को तो सतो प्रधान बनना ही है। बाबा कहते बच्चे, जब तुम मेरा बनते हो तो सतो प्रधान सुंदर बन जाते हो, तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाकी तुम्हें एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। देखो, कुदरती आपदाएं भी आएंगी, सारी दुनिया भी खत्म होंगी। बाबा कहते बच्चे, उससे पहले तुम बाबा को याद करके बाबा से पूरा पूरा वर्षा ले लो। बाकी दुनिया में तो किसी को परमात्मा का पता ही नहीं है, तो उसके ऑक्यूपेशन को क्या जानेंगे। तुमको ही तो अभी ये ज्ञान मिला है, ये सब बातें तुमको ही धारण करनी और करानी है। बाकी स्वर्ग का सदगति दाता बाबा है, पानी की गंगा नहीं। मुफ्त में ही बाबा ने कहा कुछ ही बोलते रहते, अगर गंगा में स्नान करने से पावन बनते तो गंगा पर बैठ जाओ जा करके, बाहर निकलते क्यों हो। बाबा कहते श्वासों श्वास मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। योग अग्नि से पाप नष्ट होते हैं, गंगा स्नान से नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलत है बच्चों, प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग धारणा है। हड्डी यानी जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए बाबा जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है, विचार सागर मंथन करना है, इस कब्रिस्तान को देखते हुए भी नहीं देखना, हियर नो इवल सी नो इवल, नई दुनिया के लायक बनना है। वरदान है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन है,
साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज ना हो। याद रहे मैं कंबाइंड रूपधारी हूँ। ओम शांति।